श्रेष्ठ भारत में आपका स्वागत है। मैं तृप्ति पारस देश। आज हम हैं वसई में, जहां से वसई से भाईंदर रोरो सेवा शुरू हुई है, जहां से 65 मिनट का जो किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो केवल 15 मिनट में हम खत्म कर सकते हैं। यह एक अनोखा सफर है और आज हम श्रेष्ठ भारत के माध्यम से इस सफर का अनोखा मजा लेंगे। जी हाँ, आम यात्रियों के सफर को आसान करने और उनका वक्त बचाने के लिए महाराष्ट्र सागरी महामंडल की ओर से 20 फरवरी से वसई किला बंदर से भाईंदर के बीच रोरो सेवा की शुरुआत की गई है। इस सेवा के शुरू होने से दोनों शहरों के बीच की दूरी अब पूरे 34 किलोमीटर कम हो जाएगी। साथ ही 65 मिनट का सफर अब सिर्फ 15 मिनट में किया जा सकेगा। जाहिर सी बात है, इससे आम लोगों के समय की बचत भी होगी। रोरो फेरी चालू हुई भाईंदर से वसई और वसई से भाईंदर, ये काफ़ी टाइम से ये बात चल रही थी। करीब 2016 से उसका प्लानिंग चल रहा था, लेकिन किसी ना किसी वजह से डिले हो रहा था। कहीं परमिट ग्रोस का प्रॉब्लम आ रहा था, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की परमिशन का प्रॉब्लम आ रहा था, इस वजह से लेट हो रहा था। लेकिन आखिर में उसका आज 20 फरवरी के दिन इसकी शुरुआत हो गई। ये जो वसई जाने वाले लोगों को जो हाईवे से जाना पड़ता था, करीब 25 से 30 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता था, उसके लिए बहुत बढ़िया ऑप्शन मिल गया है। आज हमारी कार लेके भी जाते तो हमको कम से कम नहीं तो 400-450 का पेट्रोल चला जाता था। तो वो पब्लिक के लिए काफ़ी अच्छा हो गया, ये एक सुविधा हो गई। तो व्हीकल लेके भी आप आ सकते हैं वसई किला पे, जिसको घूमने जाना है। ये टूरिस्ट प्लेस के लिए भी आने जाने में सुविधा हो जाएगी, तो टूरिस्ट का बिजनेस भी बढ़ेगा, यहाँ पर डेवलपमेंट ज़्यादा होगा, उस वजह से काफी अच्छी शुरुआत है। वसई से भाईंदर के बीच ये सेवा सुबह 7:45 बजे से शाम 7:30 बजे तक जारी रहेगी। पहली बोट वसई से निकलेगी और आखिरी बोट भाईंदर से छूटेगी। रोरो सेवा चालू हो गई तो बहुत फायदे से, क्योंकि यहाँ से टाइम तो बचेगा ही, फ्यूल बचेगा, जो राउंड बढ़ के जो आता है जो हाईवे से वो टाइम है। यहाँ से आप नजदीक हार्डली 20 मिनट में आ सकते, तो आने जाने के लिए बहुत फायदे का है। First day I think I'm come here and it feels very good. There is a same ferry that side in Malad side jetty, so it's way too different from there. It's like very comfortable and very good. I went from up the scene from here, so good, and we can also see the trains passing by and like the children are just enjoying it. दरअसल सुवर्ण दुर्ग शिपिंग एंड मरीन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड और महाराष्ट्र सागरी महामंडल की ओर से वसई भाईंदर के बीच रोरो सेवा का काम काफी दिनों से चल रहा था। इस सेवा पर करीब 6 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च की बात भी सामने आई है। महाराष्ट्र सागरी महामंडल के अधिकारियों की माने तो वसई भाईंदर रोरो सेवा का संचालन पहले 3 महीने के लिए प्रायोगिक तौर पर किया जाएगा। इस दौरान 2 कंपनियों को रोरो सेवा के संचालन की जिम्मेदारी दी गई है। सुवर्ण दुर्ग शिपिंग एंड मरीन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर योगेश मोकल के मुताबिक इस बोट में एक बार में 100 लोग यात्रा कर सकेंगे। इसके अलावा 33 वाहनों को एक फेरी में ले जाया जा सकेगा। ये हमारा नया रूट आज से 20 तारीख से चालू हो रहा है। ये वसई, हम वसई में खड़े, वसई से हम भाईंदर रोरो फेरी से जाएंगे। ये सुबह 7:45 बजे पहला फेरी है और लास्ट में हर 1.5 घंटे के बाद में एक फेरी है। ये फेरी में 33 कार्स एट अ टाइम लेके जा सकती है, नहीं तो कार कम रहेंगे तो सूचना मोटरसाइकिल ऐड करेंगे, नहीं तो इसका लोडिंग कैपेसिटी 250 कार एट अ टाइम ये लेके जा सकती है। ये फिलहाल दोनों जेटी बहुत अच्छा है, रूट भी अच्छा है कि इधर से काफ़ी सिर्फ 20 मिनट में हम दूरी ये पार कर सकते हैं, लेकिन जो हाईवे से गए तो कम से कम 40 किलोमीटर अंदर 1 किलोमीटर से होएगा इनका, और ट्रैफिक जाम, फ्यूल सब बचत होगा। वहीं सुवर्ण दुर्ग शिपिंग एंड मरीन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के चेयरमैन डॉक्टर चंद्रकांत मोकल ने बताया कि कैसे उन्होंने 22 साल पहले इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी और कैसे इसने आम लोगों के जीवन को आसान कर दिया है। This project we ran last 22 years. पहला हमारा जो रिपोर्ट था वो दाभोई में मैंने शुरू किया। सीधे पर्यटन लोग मुंबई से बहुत आते हैं तो आने जाने को उसका आसान पड़ेगा। मच्छी मार है, बंदर है, मच्छी मार को अच्छा पड़ेगा। और जो अप्रोच ट्रांसपोर्ट
नौकरी करने के लिए जो जा रहे हैं उनको भी इसका फायदा होगा। आपको बता दें, बीते कई सालों से भाईंदर और वसई के बीच रो रो सेवा शुरू करने की मांग की जा रही थी। सेवा शुरू करने के लिए भाईंदर वेस्ट में जेटी भी बनकर तैयार थी, लेकिन किसी वजह से इस रूट पर रो रो सेवा की शुरुआत में कुछ न कुछ अड़चने आ रही थी। इस बारे में जब हमने स्थानीय लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया कि यहाँ रो रो सेवा शुरू करने के लिए साल 2016 में ही मंजूरी मिल गई थी, लेकिन पुरातत्व, पर्यावरण और कोस्टल विभाग की अनुमति मिलने में देरी के चलते जेटी का काम समय पर नहीं हो पाया। लेकिन अब जब सेवा की शुरुआत हो चुकी है तो लोगों ने पिछले सारे गमों को भुलाकर जेटी पर सवार होकर इसका नजारा लिया और यात्रा की शुरुआत की। किराए की बात करें तो 12 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए 15 रुपए और 12 साल से ज्यादा उम्र के लिए 30 रुपए किराया निर्धारित किया गया है। इसके अलावा चालक के साथ टू व्हीलर का किराया 60 रुपए, थ्री व्हीलर का किराया 100 रुपए और फोर व्हीलर का किराया 180 रुपए होगा। सब्जी या फल लाने वालों को जेटी यात्रा के लिए 40 रुपए किराया देना होगा। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।